नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ ब्रॉडकास्ट 24 में। गुरुग्राम पुलिस ने इंश्योरेंस के नाम पर ठगी के कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। दरअसल साइबर क्राइम पुलिस को ये सूचना मिली थी कि दिल्ली के शाहदरा में ये ठगी का कॉल सेंटर चला। 125 से ज़्यादा हाई प्रोफाइल लोगों के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी के रिन्यूअल के नाम पर लाखों की ठगी को अंजाम दिया गया। साइबर क्राइम पुलिस द्वारा पूरी तैयारी के साथ दिल्ली के शाहदरा में रेड कर ठगी के अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा कर ठगी के मास्टरमाइंड समेत 3 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है, जिसमें 2 युवतियां भी शामिल है। वहीं इस मामले में एसीबी क्राइम की माने तो इस फ्रॉड कॉल सेंटर ने जस्ट डायल जैसी डेटा प्रोवाइडर कंपनी से 15,000 रुपए में देश के हाई प्रोफाइल लोगों का, जिसमें 50 से 60 साल की उम्र तक के पुरुष और महिलाएं भी शामिल थे, उनका डेटा खरीद लाखों की ठगी को हर महीने अंजाम देना शुरू कर दिया। पुलिस की माने तो ठगी के कॉल सेंटर का मास्टरमाइंड दिल्ली का रहने वाला सुनील नाम का शख्स है, जो पहले किसी कॉल सेंटर में काम करता था, लेकिन जल्द ही अमीर बनने की चाह ने इसे ठगी के कॉल सेंटर का मास्टरमाइंड बना दिया। ये दिनांक 3/8/2022 को सेक्टर 15 गुड़गांव की रहने वाली एक महिला ने पुलिस थाना साइबर क्राइम पश्चिम को एक लिखित शिकायत दी थी कि उसके पास बजाज एलियंस लाइफ इंश्योरेंस के प्रतिनिधि बनके किसी ने कॉल किया था और उससे पॉलिसी के बारे में ये कह के लैप्स हो जाएगी, 50,000 रुपये ठग लिए। और उसको जब उसकी जानकारी मिली तो उसने शिकायत दी, जिसके संबंध में केस रजिस्टर करके और उसमें हमारी साइबर पुलिस स्टेशन वेस्ट के इंस्पेक्टर जसबीर सिंह के नेतृत्व में टीम ने काम करते हुए उसमें जो शामिल आरोपी थे उनका पता लगा के और उनको गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इसमें 4 लोगों को हमने गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में ये सादरा में बैठ के कॉल सेंटर टाइप चला रहे थे और वहाँ बैठ के इस तरह की लोगों के साथ इंश्योरेंस के नाम पे ठगी करते थे। इनको गिरफ्तार करके जब पूछताछ की गई कि ये किस तरह से ये सारा काम करते हैं, तो इन्होंने बताया कि हमने जस्ट डायल से कुछ लोगों के जानकारी के लिए डिटेल्स मांगी, उन्होंने नंबर आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो हमारे पास जो डाटा प्रोवाइडर थे उनके फ़ोन आने शुरू हुए और हमने उनसे पैसे दे के और कुछ लोगों का डाटा खरीद लिया और उसमें 50 से 60 की एज का और हाई प्रोफाइल लोगों का हमने डाटा खरीदा और जिसके संबंध में हमने शॉर्ट लिस्ट करके उसमें से और कॉल करनी शुरू की और उसमें इनसे भी कॉल की गई। इस तरह से पूछताछ में इन्होंने ये भी बताया कि 150 के करीब लोगों से देश के विभिन्न कोणों में इन्होंने यहाँ बैठ के ठगी की है इंश्योरेंस के नाम पे ही। इसने पूछताछ पे ये भी बताया कि पहले इनमें से एक आदमी इस तरह से कंपनी में काम करता था और वहाँ से किसी ने इसको इस तरह की जानकारी दी थी कि इस तरह से अच्छे मोटे पैसे कमाए जा सकते हैं, तो उस आइडिया पर काम करते हुए इसने ये काम किया है। आगे की अभी इसमें हमने जो 9 कॉलिंग हैंडसेट, 1 लैपटॉप, 31,500 रुपये इनसे बरामद कर लिए हैं और आगे की इन्वेस्टिगेशन इसमें की जा रही है। मास्टरमाइंड कौन है, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या कुछ इनके नाम हैं, क्या कुछ डिटेल्स है, कहाँ के रहने वाले? ये इसका मास्टरमाइंड, इसका जो मालिक है सुनील कुमार, निवासी नई दिल्ली का है और यही इसका मास्टरमाइंड था। बाकी लोगों को इसने हायर कर रखा था, 2 लड़कियां भी काम करती थी, उनसे कॉल कराते थे ये और इस तरह से ये पूरा रैकेट चलाते थे। सर, आपने कहा कि ये सिचुएशन है और क्यों इसकी ज़रूरत आन पड़ी कि डाटा प्रोवाइडर कंपनियां जो कि महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं ऐसी कंपनियों को डेटा बेचने में? देखिए, अगर इस तरह से बगैर वेरिफिकेशन के किसी का डाटा प्रोवाइड करा के उनको ठगी में सहयोग किया जाता है तो निश्चित तौर पर एक क्रिमिनल ऑफेंस है और उसके लिए वो डाटा कंपनी जो प्रोवाइडर कंपनी है वो रिस्पॉन्सिबल है, तो उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जानी लाजमी है। इसलिए हम उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई करने जा रहे हैं और ये सबसे बड़ा रीज़न ही ये है कि बगैर वेरिफिकेशन के ये ही नहीं पता कि उनको ये आगे क्या यूज़ करेंगे और किस तरह से लोगों से ठगी करेंगे और दूसरे लोगों का पैसे लेके डाटा इस तरह से प्रोवाइड कराते हैं जिसके कारण वो लोग ठगी का शिकार होते हैं। तो इस तरह के आगे भी जो भी कंपनी इस तरह के काम में संलिप्त पाई गई हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जरूर करेंगे। इस केस के अंदर, इस ठगी के केस के अंदर कौन सी कंपनी ने ये डाटा प्रोवाइड कराया था और क्या कुछ नोटिस जारी करने वाले हैं उनको आप?
इससे जो भी संबंधित कंपनी है, मैंने आपको बताया कि उनके खिलाफ हम जल्दी ही कार्रवाई करने जा रहे हैं, उनको नोटिस जारी करके और उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। जस्ट डायल का नाम आ रहा था सर इसके अंदर। मैं वो पहले ही बता चुका हूँ कि जस्ट डायल में कॉल करके इन्होंने उनके संपर्क मांगे और उन लोगों ने फिर आगे उनको कॉल करके और इनके नंबर दे दिए और उन लोगों ने इनसे बात करके वो डाटा प्रोवाइड करा। सर इसका भी खुलासा हुआ कि कितने रुपए में डाटा बेचा गया था सर इन फ्रॉड कंपनीज को? हाँ ये भी बिल्कुल हुआ है और उसके सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड पे ली हैं। 1500 रुपये में ना 15000 रुपये में इन्होंने डाटा प्रोवाइड कराया और इस तरह की मतलब नंबर पे ये काम करते हैं, कितने लोगों के नंबर्स हैं उसके हिसाब से पैसे लेते हैं। ठीक। तो वहीं बता दें आपको कि साइबर क्राइम पुलिस ने इनके कब्जे से 9 कॉलिंग हैंडसेट और एक लैपटॉप और 31,000 रुपये बरामद कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस की माने तो इन्होंने बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद में ठगी की वारदातों को कबूल कर दर्जनों वारदातों का खुलासा किया है। बहरहाल साइबर क्राइम पुलिस इनकी क्राइम कुंडली को खंगालने में जुटी हुई है। अब तक ले बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।